है कि ऊपर आपको जो तारामंडल है आकाश वो नज़र आएगा आपको, विश्वम्भरी देवी जी हैं, इनका मिलन नहीं होगा, शक्ति का मिलन नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट स्वागत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कुमार गौरव, या फिर गौरव कुमार कह लीजिए, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल माइल्स टू ट्रेवल पर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ वलसाड में, जो कि गुजरात में पड़ता है, और मुझे 3 दिन हो गए इस यात्रा को स्टार्ट किए हुए। ये मेरी राजस्थान ट्रिप से पहले की यात्रा है, जो कि मैं गुजरात आया था एक भाई के ट्रक में, और अभी मैं आया हूँ माँ विश्वम्भरी देवी, जो कि वलसाड में एक फेमस टेम्पल है, उसके दर्शन करने के लिए। एंट्री आपको दिखा दी गई है, और एंट्री करने के बाद आपको पार्किंग के लिए फ़ीस, छोटी सी फ़ीस देनी पड़ती है, वो एक ट्रस्ट को जाती है जो कि गौशाला है उसके लिए। ट्रस्ट में गौशाला के लिए, या अगर छोटी बाइक से आते हो आप, 2 व्हीलर से आते हो, तो 5 रुपये लगता है। वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये फेमस मंदिर है वलसाड में, बहुत सारे लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो आइए हम भी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। विश्वम्भरी मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार से निकलने के बाद इस गली से आप होते हुए अंदर जाइए तो बिल्कुल एंड में है कार्यालय इस ट्रस्ट का, इस मंदिर का। कार्यालय में आपको जो भी जैसी भी जानकारी चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगी, और उसके बाद जानकारी लेने के बाद मैं तो कहता हूँ कि आप पूरी जानकारी लीजिए मंदिर की, क्योंकि ये मंदिर एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, जो जो रियलिटी है जो संसार की, उसको दर्शाने की कोशिश की है इस मंदिर ने। इस मंदिर में शुरुआत उन्होंने बताया मेरे को कि मंदिर परिसर में मेन जो मंदिर माता के दर्शन है वो करिए, जिसे वो पाठशाला बोलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे मंदिर परिसर की तरफ, तो ये है एंट्री प्रवेश। हालांकि अंदर जाके वीडियो या फुटेज लेना मना है, और सबसे ख़ास बात जो आपको हमेशा फॉलो करनी होती है किसी भी मंदिर में या फिर गुरुद्वारा में जाने के बाद, उनके नियम कायदे कानून ट्रस्ट के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे तो नॉर्मल आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो इस तरह की कतारें बनाई गई हैं, इसके ज़रिए भक्तगण को ऐसे घूमते घूमते होते हुए जाकर इधर जाना पड़ता है। अगर लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो ये यज्ञशाला बनाई गई है, जो कि यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं। और सबसे ख़ास बात जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट इस मंदिर का है, वो इसकी सीढ़ियों पर ही आपको मिल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान को अपने दैनिक कार्यों में 3 तरह के जो कार्य होते हैं मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए, वो निभाने चाहिए। तो उनमें से सबसे पहले है कर्तव्य कर्म, जो अपना कर्तव्य है वो करते रहिए। फिर है कर्म भक्ति, और फिर है कर्मयोगी। तो अभी हम मंदिर के ऊपर जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, और यहाँ सीढ़ियों पर हर एक प्रकार के जो गुण हैं जो इंसान में नॉर्मली होने चाहिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सीढ़ियों पर, जो हर एक इंसान को अपने जीवन में पालन करने चाहिए।
विश्वम्भरी देवी जी। तो उन्हें इस प्रकार से इस मंदिर को बनाया गया है कि ऊपर आपको जो तारामंडल है आकाश वो नज़र आएगा आपको, नीचे कॉन्सेप्ट है कि आपको जो पाताल है जो वेदों में लिखा गया है जो वाकई प्रकृति में है मौजूद वो दर्शाने की कोशिश की गई है। सामने माँ विश्वम्भरी जी विराजमान है और प्रकृति के रूप में, और जो साइड पे दीवारों पर हैं वो प्रकृति जो बीच में है उसे दर्शाया गया है। तो देखने में वाकई में मज़ा आ गया, एक यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और अंदर से जो एक शक्ति स्रोत होती है जो दिल से निकलती है, जो शांति होती है मन में, वो दिखी मुझे अंदर। और उनके दर्शन कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ दर्शन कर सकते हो आप। और मंदिर परिसर के ही ऊपर जैसे कि आप अभी फुटेज में देख रहे होंगे एक हिमालय वाला कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हिमालय बनाया हुआ है, उसके अंदर आप शिवलिंग लगाई गई है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं साक्षात। ऊपर जाना भी अलाउड नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर हिमालय का कॉन्सेप्ट बना हुआ है क्योंकि कोरोना के कारण अभी वो बंद है। तो आइए फिर चलते हैं। यहाँ पर शिव जी को विराजमान करने का भी एक कारण है कि देह रूप में तो शंकर जी विराजमान है, और ये तब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा जब तक शिव जी और जो शक्ति हैं विश्वम्भरी देवी जी हैं इनका मिलन नहीं होगा, शक्ति का मिलन नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ लगाए गए, ये दर्शाने की कोशिश की गई है, ये शिव जी हैं और उनके दो पुत्र हैं श्री गणेश जी और लेफ्ट साइड में श्री कार्तिक जी। पाठशाला में आप दर्शन करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे दाहिने हाथ पर ही आपको गोधाम, बैकुंठ धाम और गोवर्धन धाम जो है वो दिखेगा। तो आइए गोवर्धन धाम के दर्शन करते हैं, जो कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रदर्शन करता है। और गोवर्धन पर्वत जब श्री कृष्ण ने उठाया था अपने हाथ पर उंगली पर, जब इंद्र जी ने बहुत ज़्यादा वर्षा की थी, तो ये कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का। ये वो सामने गोवर्धन पर्वत, आइए चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। ये गोवर्धाम गोवर्धन पर्वत, रात को अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइटिंग वगैरह जो होती है, लाइटिंग वगैरह सिस्टम है वो बहुत ही यार ग्रेट है भाई। यहाँ जो आपको सामने नज़र आएगी श्री कृष्ण अपने हाथ पर पर्वत उठाए हुए, और उनके साथ हैं नंदगांव के जो वासी। और जो सामने आपको ये कुटिया नज़र आ रही है ये है नंद बाबा की कुटिया, आइए नंद बाबा की कुटिया के दर्शन करते हैं। सामने ऊपर मोर विराजमान है। जब इस कुटिया में जो दृश्य दर्शाया गया है ये दृश्य नंद बाबा और यशोदा माँ दैनिक कार्य करते हुए अपना जो मक्खन वगैरह है वो निकालते हुए, और उनके घर में जो चल रहा था उस टाइम उसे शायद दिखाने की कोशिश की है, उनके घर का जो रेगुलर कार्य था बेसिकली वो। ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये पूरा इतिहास लिखा है इस मंदिर का, कि इस मंदिर को क्यों बनाया गया था, क्या इसका कारण है, क्यों हर चीज़ इस मंदिर में जो भी एक एक चीज़ विराजमान है उस चीज़ का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या कारण है, वो सारा का सारा इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए कुछ नज़र डालते हैं।
ये कब बनाया गया था, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, निर्माण कार्य कब ख़त्म हुआ, इसके पीछे का कारण बनाने का। और ये बताया जाता है ये बिना आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ है। और इस धाम में प्रांगण में जो मौजूद हैं वो है पाठशाला, ऊपर मंदिर परिसर में ही मौजूद है हिमालय जिसमें शिव दर्शन होते हैं, गोकुल धाम जो कि उस साइड बना हुआ है, गोवर्धन पर्वत दिखाया हुआ है मैंने, नंद बाबा की कुटिया दिखाई है, फिर बैकुंठ धाम बनाया गया है जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं, पंचवटी जो श्री राम कुटी जो वनवास गए थे श्री राम, जो रामायण का एक दृश्य दिखाया है इस मंदिर में। और ये सबसे ख़ास बात जो लगती है इस मंदिर की वो है ये निर्माण कार्य सिर्फ और सिर्फ 90 दिन, जी हाँ 3 महीने में मंदिर ये बनकर तैयार हो गया था। और ये है कार्यालय मंदिर परिसर का, और जैसे ही आप आगे चलेंगे तो माँ आयुर्वेदिक औषधालय मिलेगा, यहाँ पर आयुर्वेदिक इसी मंदिर परिसर में निर्मित औषधियाँ मिल जाएंगी। ये औषधि हैं क्या क्या यहाँ मिल जाएगा, इनसे जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि जितनी भी इसमें औषधियाँ हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं, और कुछ जो औषधियाँ हैं जिनका ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इसी मंदिर परिसर में, इसी ट्रस्ट में गौशाला है, और बहुत सारी औषधियाँ ये खुद उगाते हैं अपने यहाँ पर, अपने ये जो परिसर है इसी में। तो आइए फिर आगे चलते हैं, आगे है बैकुंठ धाम और ये है गौशाला, बैकुंठ धाम या फिर गौशाला कह लीजिए, यहाँ आपका स्वागत ये दो हाथियों द्वारा होगा। इस गौशाला में कई एक प्रकार की गायें मौजूद हैं, जितनी भी जो प्रकार की गायें होती हैं, नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है गायों का, मगर सभी का ऊपर नाम लिखा है और सभी गायें मौजूद हैं। आइए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ऊपर गाय का नाम लिखा है और नीचे गाय खड़ी हुई है, गाय माता गौ माता खड़ी है। और पूरी फैसिलिटी दी गई है, सामने लाइट है, अगर इनको मच्छर वगैरह ना लगे, किसी प्रकार की समस्या ना हो तो उसके लिए मच्छर मारने की या फिर मुझे नहीं पता क्या एक मशीन वगैरह लगाई है, गर्मी ना लगे उसके लिए पंखा लगाया हुआ है। और सामने गोडाउन है जिसमें भूसा वगैरह रखा हुआ है। ये क्या है भैया? ये कपासिया का खोर है। हाँ हाँ दूध निकालने का टाइम वक्त हम देते हैं, बोलते हैं जिंदवा, एकदम प्रोटीन होता है हरा। मक्का प्रसाद सेंटर है, यहाँ से आप प्रसाद लेकर जाइए।